आज के मेरे वीडियो में आपको जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में जैमिंग अटैक होता है वो क्या होता है और उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं वो सब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, जैमिंग का लिटरली मीनिंग क्या होता है, जैमिंग का मीनिंग ये होता है कि आप मतलब इतना ज़्यादा, जैसे देखिए इसमें मैंने ये फोटोग्राफ इसलिए किया है कि आप इतना लाउड म्यूजिक कर देंगे तो अगर कोई दो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो उसको कम्युनिकेशन सुनाई नहीं देगा। ये लिटरली थोड़ा सा मैचिंग में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है जो मैंने नॉइस का एग्जांपल लिया है। जैमिंग अटैक जो है एक तरीके से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है ये, और ये दो लेयर्स पे, या तो डेटा लिंक लेयर पे परफॉर्म किया जा सकता है या फिजिकल लेयर पे परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें क्या करता है, जो मैलिशियस नोड होता है वो अननेसेसरी के मैसेजेस भेजता रहता है तो जो दूसरे सेंडर्स होते हैं तो वो अपना मैसेज सेंड नहीं कर पाते क्योंकि जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको ये जैम कर देते हैं। ट्रैफिक उस पर, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक जैम हो जाता है, सेम वे में उस पर हमेशा वो कम्युनिकेशन चैनल को हमेशा अननेसेसरी के मैसेजेस भेज के और उसको बिजी रखते हैं ताकि जो एक्चुअल में कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाए। तो देखिए इसमें जो है, अब मैं आपको टाइप्स बताऊंगी। सबसे पहले एक होता है कॉन्स्टेंट जैमर। जो कॉन्स्टेंट जैमर का टाइप होता है, इसमें क्या है कि जो मैलिशियस नोड है वो कंटिन्यूअसली सिग्नल्स पैकेट्स भेजता रहेगा, वो हमेशा चैनल में कम्युनिकेशन जो है कम है या हैवी ट्रैफिक है या लो ट्रैफिक है उसके लिए कोई चीज़ नहीं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ट्रैफिक जैम रखता है, मतलब कॉन्स्टेंटली जो है भेज देता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक सिग्नल वेवफॉर्म जनरेटर चाहिए जो कंटिन्यूअसली जो है रेडियो सिग्नल्स भेजता रहे, जो है रैंडम बिट्स टू द चैनल विदाउट फॉलोइंग एनी मैक लेयर एटिकेट्स, मतलब वो कंटिन्यूअसली जो है रैंडम बिट्स भेजता रहे कुछ भी सिग्नल को करके। तो देखिए जैसे पहले केस में कह रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूअसली जो है इमेट करता है और प्रिवेंट कर देता है जो लेजिटिमेट यूजर है, जिसको नोड है, जिसको कम्युनिकेशन करना है, डेटा सेंड करना है, तो वो मतलब क्योंकि ये जो मैलिशियस नोड है ये जैमर जो है वो होल्ड कर लेगा चैनल को, तो जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होना है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा जो जैमिंग अटैक है वो डेसिपेटिव जैमर है। डेसिपेटिव अटैक में क्या है कि जो मतलब कॉन्स्टेंट जैमर में वो रैंडम बिट्स भेज रहा है, इसमें क्या है कि जो जैमर है वो कंटिन्यूअस जो है रेगुलर पैकेट्स भेजता रहता है, इसलिए जो नॉर्मल कम्युनिकेटर है उसको लगता है कि ये पैकेट्स जो है लेजिटिमेट यूज़र से आ रहे हैं और वो रिसीव स्टेट में ही, उसको भले ही मैसेज भेजने भी है बट वो रिसीव स्टेट में ही रह जाता है, वो सेंडर स्टेट में आ ही नहीं पाता है। तो ये देखिए इसमें जो है, यहाँ पे ये फिगर है जिसमें डेसिपेटिव अटैक दे रखा है, डेसिपेटिव जैमर का टाइप दे रखा है। देखिए नेक्स्ट जो जैमर की टाइप है वो है रैंडम जैमर। रैंडम जैमर क्या होता है कि रैंडमली जो है दो स्टेट्स में, या तो वो स्लीप स्टेट में रहेगा या जैमिंग स्टेट में रहेगा। जब वो जैमिंग स्टेट में है तो वो एज ए कॉन्स्टेंट जैमर भी वर्क कर सकता है या डेसिपेटिव जैमर भी वो वर्क कर सकता है, और जब स्लीप मोड में रहेगा तब वो कोई भी जैमिंग एक्टिविटी नहीं करेगा। मतलब उसका एक टाइम, कुछ टाइम शेड्यूल रहेगा कि इस रैंडमली किसी टाइम पे वो जैमिंग स्टेट में होगा या किसी टाइम पे वो जो है स्लीप स्टेट में होगा। जो नेक्स्ट जैमर की टाइप है वो है रिएक्टिव जैमर। रिएक्टिव जैमर क्या है कि वो देखता है कि जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है, अगर कम्युनिकेशन चैनल पैसिव है, ऑलरेडी बहुत कम चैनल पे जो है कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो खुद भी स्लीप स्टेट में चला जाएगा, और जब हैवी ट्रैफिक है उस टाइम पे वो मैसेजेस जो है ट्रैफिक को जैम करता है, उस टाइम पे वो मैसेजेस भेजता है, इसलिए इसका नाम जो है वो रिएक्टिव जैमर है। आप देखिए इस फिगर से देखिए कि जब डाउन लिंक जैम, अपलिंक एनर्जी डिटेक्टेड, अगर वो देखता है कि हाँ अपलिंक में जो है एनर्जी डिटेक्ट हो रही है, इट मींस जो है कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो जैमिंग करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज जो है डाउन लिंक के केस में जिस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है उस टाइम पे वो जैमिंग नहीं करेगा।
तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वायरलेस एडहॉक सेंसर नेटवर्क के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें।